मुंबई से चौंका देने वाली खबर सामने आई है। पिछले दिनों मुंबई के जुहू इलाके में एक बेटे ने अपनी मां वीणा कपूर की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया था। इस मामले में जिस मृतक महिला का फोटो मीडिया में चलाया जा रहा था, आज वह महिला जिंदा है और इस पूरे मामले में परेशान है। वीणा कपूर दिन दोषी पुलिस स्टेशन पहुंची और खुद को जिंदा होने का दावा किया। वीणा कपूर ने कहा कि जब से न्यूज़ चैनल में उनका फोटो चला है तब से वे परेशान हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और लोग उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। वीणा कपूर ने कहा कि उन्होंने दिनदोषी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है और जिनके फ़ोन मैसेज आ रहे हैं उनको अपील करती हूं कि मैं चिंता हूं। खबर तो एकदम गलत है। सच्चाई है कि वीणा कपूर की एक उसका मर्डर हुआ है, लेकिन मैं वो वीणा कपूर नहीं हूँ, मैं दूसरी हूँ। नाम सेम है लेकिन मैं इधर रहती हूँ गोरेगांव में, जूं पे नहीं रहती, और मैं भी बेटे के साथ रहती हूँ, तो इसलिए लोगों ने यही सोच लिया कि यही वीणा कपूर है और मेरे सब फिल्मों के और उसके नाम उसमें दे दिए। FIR की है, FIR की है और लाइक यू नो पुलिस ने बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग को किया। लाइक यू नो आई रियली दिल से आई अप्रिशिएट जो हिसाब से एडिटिंग की हमारी कंप्लेंट लिखी है एडिटिंग, लाइक यू नो तो बहुत अच्छी बात है। आई सैल्यूट टू मुंबई पुलिस।